नमस्कार, एनजीओ भवन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी एनजीओ का संपूर्ण भारत से स्वागत करता है। आज हम एक अनदर नए प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये भारत सरकार का वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में भी सरकार द्वारा एनजीओ से इन्वाइट किए गए थे। स्कीम ये बिल्कुल सिमिलर रहेगी जो लास्ट ईयर थी। फ़र्क इस बार कुछ दो तीन चेंजेस किए हैं मंत्रालय की ओर से। कल के दौरान हमारी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें ये डिस्कशन निकला है कि जो दो स्कीम के लिए लास्ट ईयर प्रोग्राम आए थे, आई चेकअप कैंप वाला और दूसरा आपका रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोग्राम था, जिसमें आपको अलग अलग जिलों में जाके रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करना था। तो इस बार डिफरेंस ये है कि जो आई चेकअप वाले प्रोग्राम थे वो इस बार इनवाइट नहीं किए गए, और इस बार जो रोड सेफ्टी एडवोकेसी वाला प्रोग्राम है वो इनवाइट किए गए। अब वो कारण क्या है कि अक्टूबर नवंबर में भी आया था और अभी पुनः मई में आपसे ये प्रपोजल इनवाइट किए गए है, जिसकी लास्ट डेट 31 मई है। आपको मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि जो दो स्कीम्स थी आपकी, आई चेकअप वाली और रोड सेफ्टी एडवोकेसी वाली, उसमें आई चेकअप वाले प्रोग्राम के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिए हैं और उसकी लिस्ट भी उनकी पोर्टल पे जारी कर दी गई है। आप चाहे तो उनके पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें दो लिस्ट दी है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और उन संस्थाओं ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब जिन लोगों ने रोड सेफ्टी एडवोकेसी अवेयरनेस प्रोग्राम में अप्लाई किया था, उन लोगों के प्रोजेक्ट फिर से सरकार ने बिना किसी कारण से वो रिजेक्ट कर दिए हैं, उसे मतलब एक्सेप्ट किया ही नहीं है प्रोग्राम को। ये ऑफिशियल वहाँ से कम्युनिकेशन हमें मिला है, वो प्रोजेक्ट उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको पुनः इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा, और जो नए एनजीओस इस चैनल पर आए, जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इस नए सिरे से इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको फिर से इस वीडियो के दौरान पूरा बताने वाले हैं। हालांकि पिछली वीडियो हमारी जो थी, सेकेंड पार्ट जो डाला था, उसमें हमने पूरा बताया हुआ है कि कैसे ऑनलाइन करना है, बट फिर से हम आप लोग के लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो फिर डाल रहे हैं। और प्रोजेक्ट आपको ऑनलाइन ही डालना है, और ख़ास बात है इसमें बजट के लिए, बजट जो पहले पर प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपये था, वो आप 9 से 9.5 लाख रुपये की डिमांड कर सकते हैं पर प्रोग्राम के लिए। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सरल है और इजी है, तो आप लोग को पुनः इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे जो नए लोग एनजीओ वन से जुड़ रहे हैं, हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए लोग हमारे इस चैनल को आके देखते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, नया नया कंटेंट्स लेकर आपके लिए आते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 60% लोग, वीडियोस जो देखने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, और 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, वो हमारा चैनल भी देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको अब कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सरल है, ईजी है। मैं जानता हूँ कि पिछले 2 सालों से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, वो डिसीजन मंत्रालय की ओर से होता है, उनकी इंटरनल जो कमेटी बैठती है वो उनके हाथों में होता है। तो हम निराश ना होते हुए इस वर्ष के लिए भी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करें, और उम्मीद है कि प्रोजेक्ट्स आप उतना अच्छे से अप्लाई करेंगे प्रॉपर वे में, उतना ही उम्मीद है कि प्रोजेक्ट सेंक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इस प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि जो है वो है 31 मई 2022। यह प्रोजेक्ट जो रहेगा वो 2022 से लेकर 2023 तक के लिए रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें आपको सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, या आपका ट्रस्ट डीड, या आपका ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट लगता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, उसकी कॉपी लगेगी, बायलास की कॉपी लगेगी, आपके संस्था का पैन कार्ड। इसमें आपको नीति आयोग में यूनिक आईडी नंबर भी मैंडेटरी, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट, 3 सालों की एनुअल रिपोर्ट, और जो बजट का फॉर्मेट है वो हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे। 9 से 9.5 लाख का प्रोजेक्ट के लिए आप प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट भी अलग अलग जिले वाइज में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी संस्था की प्रोफाइल और जो मेन व्यक्ति होगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स की तमाम आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट के दौरान। तो आप इसको पहले से ही सिस्टम में आपके स्कैन करके
पीडीएफ फाइल में रखिएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अब पीडीएफ में ही अपलोड करने हैं। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अब आपको हम प्रक्रिया बताते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। और फिर ब्राउज़र ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने morth.nic जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। सर्वर थोड़ा इसका डिले भी हो सकता है वेबसाइट के ऊपर लोड होने के कारण, थोड़ा वेट करें। अब आप जैसे देख सकते हैं कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको कर्सर रखना रोड सेफ्टी के ऊपर। रोड सेफ्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्कीम्स ऑब्लिक प्रोजेक्ट्स। आप जैसे ये इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो सेक्शन दिख रहा है रोड सेफ्टी एडवोकेसी, यहाँ आपको जो थर्ड नंबर का पॉइंट दिख रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एनजीओ, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आई चेकअप कैंप के लिए जो प्रोग्राम हुए थे 21-22 में, ये उसकी सेंक्शन लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ एजेंसी फॉर होम वर्क फॉर आई चेकअप हैज़ बीन असाइंड। इसमें 48 प्रपोजल सेंक्शन हुए थे। उस जो सेकेंड लिस्ट हुई थी इसमें करीब करीब 184 प्रपोजल सेंक्शन हुए थे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगी जिन लोगों ने आई चेकअप कैंप के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। यहाँ आप देख सकते हैं डेट भी दिया हुआ, 4 अप्रैल को ये डेट जारी की थी। और ये लेटर आप देख सकते हैं जो जो एनजीओस के प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए थे। और नए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको जो ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में बुलेटिन बोर्ड, यह देखिए लिखिए दिख रहा होगा आपको इनविटेशन एप्लीकेशंस फॉर रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम, लास्ट डेट है इसकी 31 मई। इसको आपको क्लिक करना है। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरा इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहीं आपको गाइडलाइन भी दिया हुआ। हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको कौन कौन सी थीम के ऊपर काम करना है वो थीम आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से लिस्ट में दिया हुआ है। और आपको कितने माइलस्टोन में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है ये उसकी डिटेल यहाँ आपको दी हुई है। आपका जो भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा उसका 15% आपको, अप टू 15% आपको मिलेगा प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद में, जिसमें आपको बैंक गारंटी भी एक देना रहेगी। फिर जो दूसरा माइलस्टोन है, पहला आपका जो था मोबिलाइजेशन एडवांस का आपको पैसा मिलेगा 15% रहेगा इसमें। और इसमें इसको तीन कैटेगरी में बांटा, माइलस्टोन 1, 2 एंड 3। तो इसमें जो फंडिंग मिलनी है वो उसमें आपको मोबिलाइजेशन के लिए भी पैसा देगा। मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें आपको फील्ड वर्क पे मोबिलाइजेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना है तो उसका पैसा आपको 15% तक आपको यहाँ मिलेगा। फिर इसके बाद में जो जो भी बजट का आपने प्रोजेक्ट के लिए डिमांड किया है तो 40% आपको पहले मिलेगा। फिर जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी 30% की मिलेगी, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो 30% का मिलेगा। और ये आपको जब मिलेगा जब आप फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उनको। तो खास बात है इसमें आपको ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम पहले करके देना है फिर ही आपको फंड मिलेगा। इसमें आपको तीन भागों में इस बार पेमेंट पहले से दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्लानिंग करना रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो ये कुछ आपको सेक्टर्स दिए हुए जहाँ जहाँ आपको काम करना है। ये टोटल कुल मिला के आपके 6 स्कीम दी इस बार आई चेकअप कैंप के लिए प्रोग्राम नहीं है। तो पहला आपके सामने है रोड सेफ्टी ऑडिट, जिसमें ये जितने भी आपके नेशनल हाईवेज स्टेट हाईवेज होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लगते हैं अर्बन एरिया में, तो 100 किलोमीटर के दायरे में उसकी पूरी मैपिंग करना, उसका मेजरमेंट करना, और अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको आपको प्रेजेंट करना रहेगा मिनिस्ट्री को। सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोगों के माइंड में जो
एक्सीडेंट्स होते जो अवधारणा है उसके बारे में लोगों को मोटिवेट करना, ट्रेन करना और उनको उनके लिए वर्कशॉप करवाना, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉडल्स या वेबिनार के थ्रू आप उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इवन आप जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, उन लोग के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड आपका आ गया पायलट प्रोजेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो हाई रिस्क कॉरिडोर होते हैं उस क्षेत्र के लिए आपको काम करना रहेगा और जहाँ स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, वहाँ पे कैसे सेफर जोन बना सके उसके लिए इस पायलट प्रोजेक्ट्स में आप लोग काम कर सकते हैं। और इवन आप इसके अंदर में इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेके आ सकते हैं इंजीनियरिंग के साथ में मिलके। फोर्थ है अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें आपको तीन कैटेगरी में बटा हुआ है। सेफर व्हीकल्स, जिसमें आपको व्हीकल्स को बिल्कुल ये मोटिवेट करना है कि गाड़ियाँ उनकी हमेशा फिट रहे और गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा गाड़ी ख़राब रहेगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो उनकी लाइटिंग हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक्स हो गया, एक्सल हो गया, कोई भी आगे जाने से पहले ये चीज़ें अच्छी होना चाहिए जिससे कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो। अगर ये चीज़ें में अगर कमी हुई तो कहीं ना कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट होने से सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस अवेयरनेस कैंपेन में आपको सेफर व्हीकल्स में ये काम करना है। सेफ रोड यूज़र्स में आपको, आप जैसे पढ़ ही सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या आपको इसके अंदर करना है। जो स्कूल जोन हो सकता है वहाँ आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करने रहेंगे, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आपको लोगों को अवेयरनेस करना रहेगा और कैसे आपको रोड के ऊपर सेफली चलना है। लोगों को बोलना है कि साइड में आप लोग हमेशा चलते रहे, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। फिर थर्ड जो है अवेयरनेस बिल्डिंग, लोगों के अंदर आपको अवेयरनेस करना है कि भाई आप अगर हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे तो आपकी जान को खतरा रहेगा टू व्हीलर लोगों के लिए, और आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे तो जान के लिए भी खतरा रहेगा। तो लोगों को अवेयर करना रहेगा इस प्रोग्राम में कि प्रॉपर सीट बेल्ट पहने और हेलमेट पहने, और जो आपके पैडल जो पैदल यात्री होते हैं वो हमेशा साइड में चले और सिग्नल्स का फॉलो करते रहे। तो इसमें आपको ये काम करना रहेगा। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये आपको एक फॉर्म आपके सामने जो दिख रहा है एनेक्सर ए, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको पीडीएफ से वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको प्रोजेक्ट ऑनलाइन के दौरान अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ आपको लिखना है नेम ऑफ द एजेंसी, यहाँ आपकी संस्था का नाम आ जाएगा, लीगल स्टेटस एक्टिव लिखना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कब का संस्था रजिस्टर्ड है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी व्यक्ति का लिखना होगा जो इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका और संस्था का, और पोस्टल एड्रेस जहाँ आपका संस्था का रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ का पोस्टल एड्रेस आएगा, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड एंड ब्रांच विद एड्रेस वो आपको इसके आगे लिखना रहेगी, फिर नेम एड्रेस एंड आधार नंबर ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रस्टी जो मेन व्यक्ति है उसमें से, इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति का आपको यहाँ पर पूरा नाम एड्रेस और आधार नंबर लिखना रहेगा। फिर इसके बाद अगर आप एनजीओ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस आगे लिखना रहेगा और यूनिक आईडी नंबर लिखना रहेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दर्पण पोर्टल तो यस करना है, और जो सेकंड पॉइंट है वहाँ आपको यूनिक आईडी नंबर लिखना रहेगा। फिर इसके बाद नाइन्थ नंबर पॉइंट में आपको आपकी संस्था द्वारा ब्रीफ एक्टिविटीज अगर कोई की है तो वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, जिसमें आपको एनुअल रिपोर्ट के रूप में अटैच करना रहेगी, अटैच एडिशनल शीट इफ़ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। फिर दसवां नंबर पॉइंट में आपको भरना है कोलैबोरेटिव पार्टनर्स नेम एंड प्रूफ, आपने किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के साथ में कोई मिलकर कोई पास्ट में कोई प्रोग्राम किए हैं इससे रिलेटेड या कोई और, तो उसका प्रूफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिएगा, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा अपलोड करने का वहाँ आपको मैं बताऊँगा कहाँ अपलोड करना है। 11 नंबर का आपका पॉइंट है वेदर एनी रोड सेफ्टी अवेयरनेस एनी डेटा प्रोग्राम हैव बीन अर्ली कंडक्टेड, कि आपकी संस्था ने रोड सेफ्टी से संबंधित कोई काम पहले भविष्य में या पास्ट में किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देना पड़ेगा। फिर 12 नंबर पॉइंट में आप देखें ब्रीफ ऑफ द प्रपोज एक्टिविटी प्रपोज्ड, यहाँ आपको ब्रीफ में बताना पड़ेगा कि आप कब करेंगे, कितने ड्यूरेशन में करेंगे, कौन टारगेटेड रहेंगे और कितने लोग रहेंगे, और प्रोग्राम के दौरान आप क्या क्या चीज़ सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको एक शीट में बतानी, और आप एडिशनल शीट चाहे तो अटैच कर सकते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है टारगेट सेट, ये आप देखिए मोबिलाइजेशन माइलस्टोन 1, 2, 3 ये चार भागों में इसको बता गया है। तो आपको मोबिलाइजेशन का पैसा 15% तक के लिए है, तो आप कब इसको शुरू कर रहे हैं यहाँ भरना है, कंप्लीट करेंगे यहाँ उसको फिलअप करना है, कितने लोग टारगेट होंगे उसको करना है, और प्रपोज ग्रांट अमाउंट आपको कितनी ग्रांट अमाउंट की आवश्यकता है। मान लीजिए आपका 9 लाख रुपए के लिए आप प्रपोजल दे रहे हैं तो उसका 15% निकाल के यहाँ आपको टाइप करना रहेगा।
फिर माइलस्टोन वन कि 30% जो भी उसका रहेगा 9 लाख का, उसका 30% आपको यहाँ लिखना है, कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, टारगेट कौन होंगे। माइलस्टोन टू में भी आपको सिमिलरली फिलअप करना है और माइलस्टोन थ्री में भी सिमिलरली फिल करना है। इन सब का टोटल आपको यहाँ पे लिखना रहेगा नीचे की तरफ, और नीचे जो लिखा टोटल इसमें कॉस्ट ऑफ प्रपोजल, यहाँ आपको टोटल अमाउंट लिखना है, और इसमें इसके साथ में बजट की कॉपी भी अटैच करनी रहेगी। वो मैं आपको बता दूंगा कि बजट कैसे इसका बनेगा, और नीचे यहाँ पे जो मेन सिग्नेटरी उनके साइन होंगे, सील होंगे, या डेट आएगी, या प्लेस कहाँ से आपने भरा। ये आपका है एनेक्सर बी, ये आपका जब प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तब आपके बीच में ये एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट के साथ, तब ये आपको काम आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सी छोटी मोटी बातें लिखी हुई, तो आप उसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब हम मेन प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन फॉर्म आ रहा है, तो आपको अगर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे जिन लोगों ने पहले कर रखा है रजिस्ट्रेशन, उन्हें सिंपली यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ आपका पासवर्ड डाल देना, और आपको क्लिक कर देना आई एम नॉट अ रॉबर्ट। बट जो यहाँ पे नए आ रहे तो उन लोग के लिए भी हम आपको बता देते, तो आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। जो नई संस्था है, जिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है, वो क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एजेंसी टाइप सिलेक्ट करना है कि आप कौन है, इंस्टीट्यूट है कि सोसाइटी है या फॉर्म है एनजीओ। तो यहाँ आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एनजीओ सिलेक्ट करते तो आपको यह दर्पण आईटी डालना रहेगी, बट अगर आप कॉपरेटिव सोसाइटी या फर्म डालते हैं तो इस केस में आपको पैन नंबर डालना रहेगा, ठीक है। बट मैं आपको एनजीओ का बता देता हूँ, एनजीओ बेसिकली सोसाइटी एक्ट में आती है, तो यहाँ आपको दर्पण आईडी डालना है, और दर्पण आईडी डालने के बाद गेट डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ आपकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। यहाँ आपको पैन नंबर डालना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी संस्था का नाम डालना है, आपका एड्रेस डालना है, इसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इसको आई एम नॉट अ रॉबर्ट, और इसको डालने के बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका हो सकता है आपके मोबाइल पे ओटीपी आए, तो ओटीपी डालने के बाद वो सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल आईडी पे वो लोग भेज देंगे। लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड आपको मेल पे भेजेंगे, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड, अब आ जाइए लॉगिन फॉर्म पर, या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, और इसके बाद में आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। हो सकता हो कभी कभी आपको लॉगिन में दिक्कत आ सकती है, तो इसको आप दोबारा कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड आ गया है रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम का। लेफ्ट साइड में आप देखना है डैशबोर्ड, और नीचे जो दिख रहा है दो ऑप्शन, ये आपको फिलअप करना है, फिल ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, तो इसमें आपको आ जाना है। यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने नीति आयोग में डाला था। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, या आपको एड्रेस फिलअप करना है, या आपको ऑफिस नंबर डालना है, या आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ कहाँ आपकी संस्था काम कर रही है, या आपका ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल आ जाएगी कि आपकी संस्था क्या कर रही है, आपकी संस्था का कब स्थापना हुआ। इसके बाद में आपको दर्पण रजिस्ट्रेशन नंबर का पीडीएफ फाइल डालनी है, सिंपली आप वर्ड फाइल में डाल दीजिएगा, इस तरह देख लीजिए, ये आपको फॉर्मेट में बता देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मेट बना लीजिएगा। और यहाँ पर आपका मेनली तो ये यूनिक आईडी नंबर होता है, तो ये उनको इससे मतलब है, तो ये आप ऐसा नाम लिख के ऑर्गेनाइजेशन का और यूनिक आईडी नंबर ये डाल के आप पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने जीएसटी नंबर लिखा है तो यहाँ फाइल अपलोड करना रहेगा। एफसी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। एफसी रजिस्ट्रेशन डेट ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर नेम ऑफ की पर्सन कौन रहेगा, उन व्यक्ति का नाम डाल दीजिएगा, किस पोजीशन पे उनका वो पोजीशन आ जाएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा, उनका पता उस व्यक्ति का, कॉन्टैक्ट नंबर उन व्यक्ति का, और ईमेल एड्रेस उनका आ जाएगा, और अगर वेबसाइट आपकी संस्था का तो डाल दीजिएगा। आपकी संस्था किस किस राज्यों में काम कर रही है, जिलों में काम कर रही है, तो ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। मान लीजिए आप एक पे कर रहे थे एक ही, अगर मल्टीपल कर रहे थे मल्टीपल। इसके बाद आपको यहाँ बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, यहाँ कैंसिल चेक की कॉपी डालना रहेगी। देखिए कैंसिल चेक की कॉपी कुछ इस तरह दिखेगी, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। कैंसिल चेक की कॉपी ऐसे डालनी है आपको,
चेक के ऊपर कट करके उसको पीडीएफ में अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद में आपको ऑडिट, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी डालनी है, ये और ये आपको बता देना कैसे करना है। फाइल लोडिंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए बेटर होगा कि मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम में करें, दोपहर के टाइम में हो सकता है सर्वर बिजी आपको मिल सकता है, फाइल्स बड़ी होती है तो ओपन होने में टाइम लगता है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट को वन बाय वन आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, एक के नीचे एक, ठीक है। इसको कंबाइन 3 सालों की एक साथ स्कैन करके पीडीएफ में बना लेना है, इसके बाद में ये अपलोड करना। फिर अपलोड सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ पैन कार्ड, या पैन कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी, आपका जो सोसाइटी एनजीओ है उसकी, और ये सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा, इसके ऊपर संस्था का सील एंड साइन लगाइएगा, इसके बाद में पीडीएफ में इसको अपलोड कर दीजिए और इसको आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी डिटेल रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा उनके रिकॉर्ड में। इसके बाद में आपका आता है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछा है सिलेक्ट प्रोग्राम थीम, आपको ये थीम्स दी हुई है 6 तरह की, कोई भी एक थीम पे आपको काम करना है तो वो सिलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद में नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, यहाँ टाइटल डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपको करना है द पेड्रियन, या आप जो पैदल जाते थे तो उन लोग के लिए, या आपको लिखना है रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर यूथ, या रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर यूथ इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इस तरह के आप तमाम प्रोजेक्ट के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक फॉर्मेट के रूप में बता भी देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट एनेक्स एरिया आपको बताया उसको भी इस तरह आपको फिलअप करके रखना है, ठीक है। यहाँ आप देखे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोग्राम, ठीक है। और जो बजट आपको अपलोड करना रहेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, आपको मैं इस वीडियो के दौरान बजट के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ आपका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रपोजल आ जाएगा, इन चीज़ों के लिए आप प्रोजेक्ट के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 3 साल के लिए कर रहे हैं, बट ये प्रोग्राम आप 1 साल के अंदर के लिए कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नंबर ऑफ़ एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं रोड सेफ्टी कैंप में, फिर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, क्या क्या इवेंट कराएंगे उसके लिए आप पैसा डिमांड कर सकते हैं, पब्लिक रैली के लिए आप पैसा मांग सकते हैं। इसके बाद में आपका ये नुक्कड़ नाटक आ गया, इसके लिए डिमांड कर सकते हैं आप। पैम्फलेट ब्रोशर जो प्री ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं उसके लिए पैसा आप डिमांड कर सकते हैं। पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, रिफ्रेशमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, हॉनरेरियम और मिसिलियंस एक्सपेंस, ऐसे करके आप प्रोजेक्ट के लिए डिमांड कर सकते हैं। जैसे 5 लाख का था पहले, अब आप 9 या 9.5 लाख तक के लिए डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ पे जो मेन व्यक्ति है उनका नाम, उनका पद, यहाँ सील लग जाएगी और साइन लग जाएगा, उसको पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कहाँ करना है। तो यहाँ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डाल दीजिएगा, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव डाल दीजिएगा, क्या करेंगे आपकी संस्था इस प्रोजेक्ट में। फिर प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बताना है, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट का नतीजा क्या निकलेगा, और बेसलाइन डाटा देना है आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कि आप कब से लेके कब तक क्या क्या करेंगे। तो अपलोड सबमिट डॉक्यूमेंट, जो बेसलाइन डाटा है जो आपको मैंने बताया था 1, 2, 3, 4 चार कैटेगरी में जिसको बांटा गया है, मोबिलाइजेशन 1 एंड 2, ये देखिए यहाँ आपको मैंने बताया था ये 4 कैटेगरी में, तो ये आपको फिलअप करके सबमिट करना रहेगा इस चीज़ को। यहाँ फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा पहले से, इसको पीडीएफ टू वर्ड में बना लीजिएगा, ये चीज़ आपको भर के देनी है, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा फॉर्म आपको भर के देना है। इसको इस तरह कुछ बना लेना आपको वर्ड फाइल में, और आप क्या क्या इसमें करेंगे प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ें भी आपको देना रहेगी इसके अंदर। और इसको देखिए इस तरह फिलअप करना है। मोबिलाइजेशन आपको पिछले प्रोग्राम में वो लोग मोबिलाइजेशन का फंड नहीं दे रहे थे तो उसको नॉट अप्लीकेबल किया था, बट इस बार वो लोग फंड दे रहे हैं तो अपन उसको ले सकते हैं।
लास्ट टाइम मैं बैंक गारंटी नहीं मांगा था, इसलिए अपन ने नॉट अवेलेबल किया था, बट इस बार आपको बैंक गारंटी देनी है तो आप 15% उसका ले सकते हैं। तो इस तरह आपका टोटल होके ये टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका डेट प्लेस और यहाँ नाम और पद और सील एंड साइन कर दे देना है। इसके बाद में उसको PDF फाइल बनाकर अपलोड कर देना है। फिर अपलोड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बायलास और एनुअल रिपोर्ट, वो सब चीज़ें यहाँ आएगी। फिर इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, इसके बाद आपको यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में पिछले 3 सालों में आपने कोई इससे संबंधित कोई प्रोग्राम किया है तो उसको, अगर नहीं किया तो 0, अगर किया है तो 1, 2, 3 ये कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ सिमिलर वर्क डन इन लास्ट 3 ईयर्स, आप इस चीज़ पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है और इसको आप भर दीजिएगा, मैक्सिमम प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ सिमिलर वर्क डन इन लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों में जो भी आपने प्रोजेक्ट का खर्चा किया है या काम किया है उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ फिलअप करनी रहेगी। आप चाहे तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोई कोलैबोरेशन रहा है किसी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के साथ में किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो वो फाइल यहाँ अटैच कर सकते हैं आप, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और वो नेम ऑफ क्वालिफाइड पार्टनर का नाम आ जाएगा, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबिलाइजेशन ग्रांट रिक्वायर्ड है आपको, तो आप नो करेंगे तो नो, और अगर आपको लगता है नहीं आपको यस करना है तो आपको यस करना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको फिर कॉपी ऑफ बैंक गारंटी की आवश्यकता रहेगी, तो आप ये बैंक से पहले कॉपी ऑफ गारंटी ले लीजिएगा, बट बैंक आपसे कुछ पैसा शुरू में आपसे डिपॉजिट करने के लिए बोलेगी, तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको मोबिलाइजेशन के लिए 15% चाहिए या नहीं चाहिए, वो दैट इज़ अप टू यू। इसके बाद विल दिस प्रोजेक्ट बी डन एज ए जॉइंट वेंचर, अगर आपको लगता है किसी और के साथ मिलकर आप ये प्रोग्राम करेंगे तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ करना रहेगी, अगर आप यस करते तो, अदरवाइज आप नो करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसको नो करके आगे बढ़ जाइए। सेल्फ डिफ्लिकेशन एफिडेटेड बाय ऑथोराइज पर्सन दैट द ऑर्गेन हैज नॉट बीन ब्लैक लिस्टेड, आपको आपकी एक लेटर हेड पे ये डिक्लेयर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड नहीं है। मैं इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ किस तरह बनेगा ये, देखिए ये आपका ब्लैक लिस्टेड का फॉर्मेट ये खुल गया है। लेटर हेड पे आपको लिखना है, आपको ये लिखना है वी हेयर बाय कन्फर्म दैट डिक्लेयर दैट वी आवर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एनजीओ का नाम इज नॉट ब्लैक लिस्टेड, डी रजिस्टर्ड, डी बैड बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर और एनी अदर एजेंसी। यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ आपका सिन सील एंड साइन आपको करके इसको PDF में बना के ये फाइल को अपलोड कर देना है। इसके बाद में प्रोजेक्ट लोकेशन, आप प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ पे करेंगे। फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, कितनी एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे, कितने दिन तक आपकी एक्टिविटी चलेगी, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, ये आपको डालना है। टोटल आप कितना बजट के लिए डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने करा है 870,000, तो ये अमाउंट लिख देंगे आप। देन कॉपी ऑफ एस्टिमेटेड फॉर टोटल एस्टिमेटेड प्रपोजल, अब यहाँ आपको बजट की कॉपी आपकी अपलोड करनी ही रहेगी, जो मैंने आपको ये बताया है ये बजट आप बना के PDF में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। 870,000 का ब्रेकअप आपको उसको बनाकर ये अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको उसको सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव फॉर्म के ऊपर आप जैसे ही करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर आइएगा, और डैशबोर्ड पर आप देखेंगे टोटल एप्लीकेशन कितनी सबमिट की है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल पूरी देख लीजिए, ये पूरा आपका डिटेल आ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन से स्टेट में कर रहे हैं, क्या थीम है, अप्लाई डेट नहीं रहेगी, टोटल कितना डिमांड किया है, और पूरा आपका ये सारी एप्लीकेशन से आप चाहे तो बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और ये आपका सबमिट हो चुका है प्रोजेक्ट। और ध्यान रखिएगा इसकी लास्ट डेट 31 मई है, तो इसको आप उससे पहले कर लीजिएगा, इसके बाद में ये प्रोजेक्ट की लिंक बंद हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इसको सबमिट करना है, और आप सभी को हमें ओर से शुभकामनाएं, और इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन आप लोग ईजिली कर सकते हैं। कोई आपको अगर समस्या आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना हमारे थ्रू, तो आप हमारे थ्रू भी इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।